खान, अगस्त क्रांति यात्रा का आज पांचवा दिन है और जिस तरीके का जन समर्थन अगस्त क्रांति यात्रा को मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार उससे डर चुकी है। आज हम सोनकच्छ से रवाना हुए थे सुबह और डोडी की तरफ बढ़ रहे थे। अभी से एक घंटे पहले एक ट्रक आता है, बिल्कुल साइड में चल रहे, हमारे ऊपर चढ़ाने की उसकी कोशिश थी, लेकिन बीच में हमारे एक साथी की कार थी, उस कार को टक्कर मारी। कार के ड्राइवर ने बैलेंस करते हुए हम पर चढ़ाने की बजाय उस कार को पूरा सड़क से उतार दिया और उन दो लोगों की जान बच गई, लेकिन मेरा एक साथी बहुत बुरे तरीके से घायल हुआ है। अगस्त क्रांति यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से शिवराज सिंह चौहान की सरकार डर चुकी है और ये जानलेवा और कायराना हमला हम पर करवाया गया है, लेकिन मेरा संकल्प मजबूत है। इस यात्रा का समापन 26 को ही होगा, पर यह सोचने वाली बात है कि आज हमारी यात्रा की सुरक्षा करने के लिए कोई पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं थी, प्रोटोकॉल नहीं था, पुलिस नहीं थी, ये पूरा एक साजिश के तहत ये काम किया गया है। शिवराज सिंह चौहान, आपको शर्म आना चाहिए, हम लोग 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल रहे पदयात्री हैं, पदयात्रियों का तो एक गैर लोग भी सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारी जान लेने पर तुले हुए हो, पूरी की पूरी सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए।